में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को पार्टी के द्वारा बनाया गया है। वहीं पहली बार डॉक्टर मोहन यादव इंदौर प्रवास पर आए। गत कई सालों से मिल मजदूर अपने गाड़ी कमी के पैसे के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का अंत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 427 करोड़ रुपए मजदूरों को वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से वर्चुअली जुड़े हुए थे, जिनके हाथों मजदूरों को पैसा दिलाया गया है। साथ ही अन्य प्रोजेक्ट की शुरुआत भी प्रधानमंत्री के हाथों की गई है। वहीं कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मिल मजदूरों के द्वारा लंबा संघर्ष किया गया है। आज लंबे संघर्ष का परिणाम है कि मजदूरों को उनके हक का पैसा उन्हें मिला है। मध्य प्रदेश सरकार मजदूरों के बीच में एक MOU साइन हुआ है और इसी के तहत एक लंबे समय से आ रही समस्या का समाधान भी हुआ है। आज मजदूर बहुत खुश हैं। आज दीपावली मनाई जा रही है। मजदूरों के यहाँ मैं सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। संवाददाता जीतेन रावत के साथ अनमोल अग्रवाल की रिपोर्ट। पधारे, मैं पूरे आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए उनका आभार मानता हूँ और श्रमिक परिवार के लिए जिनको ये धनराशि दी गई है, लगभग 4,800 तो आज दिवाली का वातावरण बना है, आज त्योहार का उत्सव जैसा वातावरण है। मेरी अपनी ओर से सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।